लोगों की आदत होती है गेम खेलने की, उनको लगता है हम किसी के साथ थोड़ा सा गेम खेलेंगे और हमें वो चीज मिल जाएगी, हम जो हासिल करना चाहते हैं उसके लिए हमको थोड़ा सा चालाकी करना है, थोड़ा सा प्लान बनाने हैं और सामने वाले से हासिल कर लेना है जो हम चाहते हैं। कभी लोग कामयाब भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, कामयाब भी हो जाते हैं लोग, लेकिन ये तरीका जो है हासिल करने वाला किसी से गेम खेल करके, वो अच्छा नहीं होता। हम हमेशा गेम खेलते हैं किसी से कुछ पाना हो, किसी को अपना बनाना हो तो भी गेम खेलते हैं, किसी से कुछ चाहिए तो भी गेम, किसी से आगे जाना हो तो गेम खेलते हैं, किसी को पीछे करना हो तो गेम खेलते हैं, हमें अपना प्यार चाहिए तो गेम खेलते हैं, हर चीज में गेम खेलते हैं, हर चीज में एक साजिश रचते हैं और सोचते हैं कि हर जगह हमारा प्लान सक्सेस होगा और हमें ये चीज़ हासिल हो जाएगी। तो हासिल हो जाती है, कभी कभी हो जाती है, लेकिन हमेशा ये तरीका अगर आप अपनाते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। इवन कभी भी आपको ये तरीका नहीं अपनाना चाहिए। आपको जो चीज़ अगर आप गेम खेल करके, प्लान करके, गेम खेल के, साजिश रच के कोई चीज़ पाते हैं तो आपके पास टिकेगी नहीं, उसी तरह वो चली भी जाएगी। जैसे आपने गलत तरीके से उसे हासिल किया है, उसी तरह वो चीज़, वो इंसान, वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली जाएगी जिसे आपने हासिल किया है। इसलिए किसी के साथ गेम न खेलें, आप जैसे हैं बिल्कुल वैसे रहें। अगर सच्चाई के साथ आपको वो चीज़ मिल रही है तो आप उसे अपनाएं, अगर आपको नहीं मिल रही हो सच्चाई के साथ तो आप ऐसा हरगिज ना करें, क्योंकि ये जो गेम प्लान होता है वो हमको सक्सेस कभी कभी दिलाता है, हमेशा तो नहीं कहूँगी, लेकिन वो स्थिरता नहीं रहती हमारे जीवन में और हम जो अंदर से हमेशा, फिर हमारी आदत हो जाती है कि हम गेम खेल करके जो हमारी क्षमता होती है वो हमारी पूरी तरह से काम नहीं करती है और हमेशा हमको लगता है कि इस बार भी हमें एक गेम, एक चाल चलनी पड़ेगी, एक गेम खेलना पड़ेगा तो शायद हम इस चीज़ को हासिल कर लेंगे। मतलब आपको अपने ऊपर ये भरोसा ही नहीं रहता कि आप सही ढंग से सच्चे इंसान बनके इस चीज़ को हासिल कर सकते हैं, अपनी क्षमताओं के आधार पर आप इसे हासिल कर सकते हैं, ये आपको अपने ऊपर बिलीव नहीं होता, इसीलिए आप गेम खेलते हैं। और गेम में खेली हुई, साजिश से मिली हुई कोई भी चीज़ आपके पास नहीं रहती है। और ये तो बिल्कुल तय बात है कि आप जानते हैं कि आपके अंदर इस चीज़ को पाने की क्षमता नहीं थी, आपने एक धोखा किया है किसी के साथ, तो आपके पास ये चीज़ आ गई है। तो आप जैसे हैं वैसे रहिए, अपनी क्षमताओं को बढ़ाइए, अगर आपके पास वो क्षमता है तो उसमें पार्टिसिपेट करिए और उसे हासिल करिए, लेकिन गेम खेल करके, चालबाजी करके, साजिश करके, प्लान बना करके किसी चीज़ को हासिल करना अपनी क्षमताओं को घटाना है। इसलिए अपनी क्षमताओं को बढ़ाइए, उस पर भरोसा रखिए और जो चीज़ आपको अपनी क्षमता के आधार पर नहीं मिली है उसे छोड़ दीजिए, उसे जाने दीजिए, कोई दूसरी चीज़ मिलेगी आपको, उससे अच्छी मिलेगी। अगर आपके अंदर क्षमता होगी तो ज़रूर मिलेगी आपको। और अपनी क्षमताओं को बढ़ाइए ताकि जो चीज़ें आपको मिले वो एक्चुअल में आपकी हों और आपका आत्मविश्वास इससे बढ़ेगा और आपकी क्षमताएँ भी बढ़ेंगी। आप ऐसी हरकत करके, गेम खेल करके अपनी ही नज़रों में जो गिर जाते हैं उससे भी आप बच पाएंगे और आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।